आइए शुरू करते हम लोग सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। बहुत बेहतर तरीके से इस चैप्टर को भी हम लोगों ने ख़त्म किया है, यानी कि आप सब ने ख़त्म किया है। और मेरे बच्चे, हमारी कोशिश होगी कि इस रिवीजन क्लास में जितने सारे इसके पॉइंट्स हम लोगों ने स्टडी किए हुए हैं उनको शॉर्ट में कवर करने का, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट के साथ ध्यान देंगे। गुड्स को अप्रूवल पर जब हम आपका बेचते हैं, हमारे पास तीन तरीका होता है अकाउंटिंग करने का। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपका तीन तरीके का होता है। एक तो देखते हैं कि सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस कैजुअली हुआ है, फ्रीक्वेंटली हुआ है या फिर न्यूमरसली हुआ है। कैजुअली हम लोग क्या पढ़े कि जब ये कैजुअली यानी कि कभी कभी आप करते हो, तो जैसे गुड्स आप अप्रूवल पे दोगे आप उस समय सेल्स की एंट्री कर लेते हो और फिर आगे पीछे हम उसका एडजस्टमेंट करते हैं। मेरे बच्चे, जब भी कहता है कि फ्रीक्वेंटली आपने किया अप्रूवल बेसिस पे, तो आपको वन मार्क के क्वेश्चन के लिए ध्यान रखना है कि सेल्स और रिटर्न जर्नल या फिर डे बुक, कोई भी सेल्स और रिटर्न जर्नल या सेल्स और रिटर्न डे बुक इज प्रिपेयर्ड, ये याद रखेंगे वन मार्क्स के लिए। लेकिन सेल ऑन अप्रूवल बेसिस अगर न्यूमरसली कर रहे हो, आप कॉन्टिन्यूस बेसिस पे कर रहे हो, तो यहाँ पे दो आपको अलग से बुक मेंटेन करने पड़ते हैं। एक तो सेल्स और रिटर्न डे बुक, यहाँ भी था डे बुक और यहाँ भी आपका है, बट यहाँ पे क्या होगा, सेल्स और रिटर्न लेजर भी उसके साथ साथ हम प्रिपेयर करते हैं और इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, मेमोरेंडम बुक्स। याद रहेगी बात, फ्रीक्वेंटली केस में सेल्स और रिटर्न जर्नल या डे बुक, यहाँ पे सेल्स रिटर्न डे बुक और साथ ही साथ सेल्स रिटर्न लेजर को भी मेंटेन करते हैं। दोनों को मिला के हम मेमोरेंडम, मेमोरेंडम का मतलब कि रफ, मतलब कि ये आपका जो मेन अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है, ये अलग से रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं, ठीक है ना। आपको ध्यान देना होगा कि आपका हो सकता है एग्जाम में पूछ दे कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के मुताबिक सेल कब टेक प्लेस होता है, सेल कब होता है, तो कहते हैं कि तीन बातें, व्हेन ही सिग्निफाइज हिज अप्रूवल और एक्सेप्टेंस टू द सेलर, वो अपना अप्रूवल दे दे कि हाँ जी मेरे गुड्स रख लिया और मैं इसका पेमेंट कर दूंगा आपको, या फिर कुछ ऐसा एक्टिविटी करता है कि हाँ उसने गुड्स रख लिया, एसी आपसे लेकर गया कि मैं चेक करके बताऊंगा, और उस बदमाश ने अपने खिड़की में, मतलब कि आपका खिड़की में वो एसी लगा के और हवा खा रहा, तो वो सिग्निफाई कर रहा है कि हाँ जी आपसे गुड्स ले लिया, या फिर वो एक्सेप्टेंस जो है, जो पीरियड आपका स्पेसिफाई किया गया था कि इतने समय में आपको मुझे बता देना है, अगर उसको एक्सपायर करता है तो, मतलब उस अगर मान लो 10 दिन का आपने समय दिया था कि 10 डेज में आपको बताना है गुड्स रखना है कि नहीं रखना है, वो 10 दिन से ज़्यादा एक्सीड कर गया, इसका मतलब कि उसने अप्रूवल दे दिया। ये थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको इस बात को ध्यान रखेंगे इस चैप्टर को लेकर। आपका अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो आपका था कैजुअली, फ्रिक्वेंटली या न्यूमरसली, उसको एक डायग्राम हम समझते हैं। यहाँ पे आपका वही अकाउंटिंग ट्रिप में मेरे बच्चे कहता है कि जब कैजुअली होगा तो ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं ऑर्डिनरी सेल के रूप में, हम इस पर भी अभी अकाउंटिंग आपको सिखाएंगे सारी बात। फ्रिक्वेंटली में सेल्स और रिटर्न जर्नल या फिर डे बुक इज प्रिपेयर्ड, इसके चार कॉलम होते हैं, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, गुड्स रिटर्न, अप्रूव्ड और बैलेंस। कितना आपने अप्रूवल पे दिया, कितना उसमें रिटर्न हो गया, कितना अप्रूव्ड हो गया और कितना भी बैलेंस बचा हुआ, जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। जब न्यूमरसली होगा तो सेल्स और रिटर्न डे बुक एंड सेल्स और रिटर्न लेजर दोनों यहाँ पे बनते हैं, दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, मेमोरेंडम बुक्स आपका। हम इन पे भी एक एक क्वेश्चन को कराएंगे आपको, आपको चिंता नहीं करना, ठीक है ना। अब देखो, व्हेन बिजनेस सेंड्स गुड्स कैजुअली ऑन सेल्स रिटर्न बेसिस, कैजुअली यानी कि पहला वाला केस आपका, तो सुनते चलेंगे हमने क्या बताया जी। जब गुड्स को आप भेजते हैं अप्रूवल बेसिस पे, तो उस समय क्या करते हो, आप सेल्स की एंट्री पास कर देते हो, इवन दो ये सेल्स नहीं है बट कैजुअली, मतलब कि आप बहुत रेयर केस में काम करते हैं तो ये कन्फर्म्ड है कि आप श्योर होते हैं कि वो बंदा गुड्स रखेगा, तभी आप देते हैं ऐसा। इसलिए आपको क्या करना है कि पहले सेल्स की एंट्री कर लेनी है। मान लो आपने 10,000 में उसको आपने दिया है, तो आपने 10 बोला कि ठीक है जी मैं सेल्स की एंट्री कर ले रहा हूँ, गुड्स आप ले जाओ, चेक करना, अच्छा लगे तो ठीक है, अदरवाइज मुझे वापस कर देना। अगर वो गुड्स रिजेक्ट कर देता है मेरे बच्चे, या रिटर्न कर देता है विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, तो इस एंट्री को हम क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। जब रिवर्स करेंगे तो या तो सेल्स को क्रेडिट किया था ना, तो सेल्स को डेबिट कर दो, या फिर सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन होता है, हम लोग क्या करेंगे, इसी एंट्री को रिवर्स कर देंगे, है ना। तो आपने अगर डेटर्स को डेबिट किया था तो डेटर्स क्रेडिट हो जाएगा, अगर कस्टमर लिखा था तो कस्टमर के नाम को हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। फिर अगला है आपका, व्हेन गुड्स आर एक्सेप्टेड, अगर गुड्स एक्सेप्ट हो गया, ये कब था, जब रिटर्न हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा तो, लेकिन गुड्स अगर आपका
एक्सेप्ट कर लिया उसी प्राइस पे जिस प्राइस पे आपने दिया था, तो हम कोई एंट्री पास नहीं करते क्योंकि ये एंट्री आप पहले ही कर चुके हैं, है ना बच्चों। और अगर मान लो कि जो गुड्स उसने एक्सेप्ट किया एट हायर प्राइस देन द इनवॉइस, मतलब आपने ये एंट्री 10 से किया था लेकिन मान लो वो आपका 11,000 पे गुड्स को एक्सेप्ट करता है, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, डेटर्स आपका 10 से बढ़ा हुआ है तो हम क्या करेंगे जी 1,000 से और बढ़ा देंगे, और सेल्स हमने 10 से एंट्री किया है हम 1,000 और सेल्स की एंट्री कर लेंगे, तो 10 + 1 = 11,000 से डेटर्स भी हो गया और 11 से सेल्स भी हो गया। अगर गुड्स को एक्सेप्ट किया गया एट लोअर प्राइस देन द इनवॉइस प्राइस, मतलब अगर ये जो 10,000 था इससे कम पे, मान लो उसने कहता है कि नहीं जी मैं तो गुड्स लूँगा 9,500 रुपीज पे, 9,500 रुपये पे, तो कोई बात नहीं आप एक काम करना डेटर्स को 10 क्या था ना 500 रुपये कम कर देना, यानी कि 2 डेटर्स अकाउंट हम क्या करेंगे 500 रुपये कम कर देंगे, और सेल्स जो 10,000 से किया था एक्चुअली 95 हुआ तो सेल्स को भी क्या करेंगे 500 रुपये से कम कर देंगे। हो गई बात आपका, यही तो होता है बोलो ना, है ना, जो भी आपका कम ज़्यादा बात हो उसको हम चेंज कर लेंगे। साल के एंड में अब आ गए एट द ईयर एंड, अगर मान लो गुड्स कस्टमर के पास पड़ा हुआ है और अभी तक वो उसका जो टाइम है जो आपने दिया था अप्रूवल करने के लिए वो अभी एक्सपायर्ड नहीं हुआ है और हमें पता भी नहीं कि वो गुड्स रखेगा कि नहीं रखेगा, तो मेरे बच्चे मैंने आपको बताया हुआ है कि हमारा अकाउंट्स कहता है कि अगर साल का एंड हो गया और साल के एंड तक अप्रूवल नहीं मिला हुआ है, टाइम एक्सपायर्ड भी नहीं हुआ है, तो आप उसको सेल्स नहीं मान सकते। और अगर सेल्स नहीं मान सकते मेरे बच्चे, तो जो सेल्स की आपने एंट्री यहाँ पे की थी ना उसको कैंसिल कर देना होगा, यानी कि सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट, रिवर्स कर दिया एंट्री आपका, जितने अमाउंट से किया था उस अमाउंट से रिवर्स कर देंगे। और अगर वो सेल्स नहीं तो हमारा स्टॉक है और स्टॉक को क्या करेंगे स्टॉक विद कस्टमर ऑन सेल्स और रिटर्न अकाउंट डेबिट करेंगे एंड टू ट्रेडिंग अकाउंट, है ना, क्योंकि आपको पता है कि जितने भी क्लोजिंग स्टॉक होते हैं उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट के यहाँ पर लिखते हैं, तो स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट हो गया तो एंट्री क्या बन गया स्टॉक विद कस्टमर टू ट्रेडिंग अकाउंट, वही एंट्री आपने किया। कौन से प्राइस से एंट्री होगा तो आपका इन्वेंट्री के मुताबिक कॉस्ट प्राइस और NRV विच एवर इज लोअर आपका, है ना, तो उसी प्राइस पे यहाँ पे मार्केट प्राइस मतलब NRV है जो भी लोअर होगा उस पर हम क्या करेंगे स्टॉक को दिखा देंगे, जो स्टॉक वैल्यूएशन का तरीका होता है। फिर अब होता है कि अगर मान लो कि यहाँ पे कहाँ गया ये जो हमने सेल्स किया था मेरे बच्चे, सेल्स की एंट्री साल के एंड में हमने क्या किया सेल्स की एंट्री कैंसिल कर दिया, सेल्स की एंट्री कैंसिल कर दिया और उसको अपने पास क्या कर रहे हैं स्टॉक के रूप में दिखा रहे हैं। अब मान लो अगले साल सचमुच में वो आदमी क्या करता है गुड्स आपको वापस कर देता है, तो अगर वो आदमी गुड्स वापस कर देगा तो अब हम उसकी कोई एंट्री पास नहीं करेंगे, मतलब अगर सब्सिक्वेंट डेट पे अगर वो गुड्स वापस कर देगा उसकी हम एंट्री पास नहीं करेंगे क्योंकि सेल्स को ऑलरेडी आप यहाँ पे कैंसिल कर चुके हैं। लेकिन सर अगर आगे मान लो सेल्स उसने कर दिया तो, मतलब आगे उसने एक्सेप्ट कर लिया तो दोबारा सेल्स की एंट्री पास कर लेंगे। अरे अगर मान लो उसने गुड्स वापस कर दिया तो यहाँ पे इसलिए कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि वो एंट्री ऑलरेडी आप यहाँ पे सेल्स को कैंसिल करने का कर चुके हैं। लेकिन अगर वो कहता है नहीं जी बाद में आज 31 दिसंबर के बाद वो 4-5 दिन के बाद आके कहता है कि नहीं मैं गुड्स रखूँगा, तो फिर ठीक है हम क्या करेंगे इस एंट्री को आपका क्योंकि हम कैंसिल कर चुके थे दोबारा हम सेल्स की एंट्री कर देंगे, ये तो काम करना है। इन्हीं बातों को जो आपका कैजुअल का कॉन्सेप्ट था उसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 बनाया हुआ है, एक बार जरा इसको चेक करते हैं क्या है और काम को पूरा करते हैं, सुनेंगे मेरी बात क्वेश्चन नंबर 1 को लेकर। आपका कहता है कि COC सेंड्स गुड्स टू हिज कस्टमर ऑन सेल्स और रिटर्न फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग द ईयर 2021। कहता है कि 15 सितंबर को सेंट गुड्स टू कस्टमर ऑन सेल्स और रिटर्न बेसिस कॉस्ट प्लस इतना गुड्स कितने में 1,00,000 रुपीज में बताओ। अगर हमने 15 सितंबर को गुड दिया तो हम क्या एंट्री करेंगे मैं यहीं पे एंट्री दिखाता हूँ। तो आपने क्या करना है डेटर्स अकाउंट को आपको डेबिट कर लेना है एंड टू सेल्स अकाउंट, है ना बच्चे टू सेल्स अकाउंट, है ना, सेंट गुड्स आपने कितने 1,00,000 रुपीज में, तो 1,00,000 रुपये से हमने क्या किया ये 1,00,000 रुपये से सेल्स हमने दिखा दी, दिस इज सेलिंग प्राइस। 20th अक्टूबर को गुड्स रिटर्न बाई कस्टमर 40,000, इसमें से 40 के गुड्स वापस कर दिया, तो ठीक है अगर वापस कर दिया तो सेल्स क्रिएट किया था ना, तो सेल्स या फिर सेल्स रिटर्न कोई भी एक नाम आप लिख सकते हैं, है ना, अकाउंट डेबिट कर देंगे कितने से जी आपका 40,000 से, 40,000 एंड टू डेटर्स अकाउंट। सेल्स नहीं हुआ तो ठीक है जी हमने सेल कैंसिल कर दिया आपका यहाँ पे। 25th को कहता है कि रिसीव लेटर ऑफ अप्रूवल फ्रॉम कस्टमर 40,000 का,
तो जब अप्रूवल मिला तो उसके हम कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। क्यों एंट्री पास नहीं करेंगे? क्योंकि वो एंट्री सेल्स की पहले सारे अमाउंट से कर चुके हैं, है ना बच्चे। तो सारे अमाउंट से सेल्स की एंट्री कर चुके हैं, तो जो आपका अप्रूवल मिल गया उसका तो हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि पहले एंट्री हो चुका है ना। जो कैंसिल हुआ उसको हमने हटा दिया। और गुड्स कहता है विद कस्टमर अभी भी 20,000 का ऑन अप्रूवल है, मतलब अभी तक आपको अप्रूवल नहीं मिला और साल का एंड आ गया 31 दिसंबर, तो हम क्या करेंगे? एक तो सेल्स को आप कैंसिल करेंगे, जिसका अप्रूवल आपको नहीं मिला मेरे बच्चे उसका हम एंट्री कैंसिल करेंगे। और आपने क्या करना है यहाँ पे, इसके लिए एक तो सेल्स अकाउंट डेबिटेड, याद रखना यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है सेल्स या सेल्स रिटर्न, लेकिन साल के एंड में जो एंट्री कैंसिल होता है वो कंप्लीट सिर्फ इसका रिवर्सल होगा, सेल्स रिटर्न लिखना अलाउड नहीं होता। तो सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट, कितना अमाउंट आपका हो गया जी 20,000। और मेरे बच्चे अगर ये सेल्स नहीं है तो हम स्टॉक दिखाएंगे, यानी कि आप उसको स्टॉक विद कस्टमर या स्टॉक विद कस्टमर ऑन सेल्स रिटर्न कुछ भी लिख सकते हैं टू ट्रेडिंग अकाउंट, है ना। ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में चला जाएगा क्योंकि सारे क्लोजिंग स्टॉक जो होते हैं ट्रेडिंग क्रेडिट में जाता है। कितना 20 से दिखाऊंगा? नहीं सर, स्टॉक हमेशा कॉस्ट प्राइस पे है ना। तो 20,000 का कितना, आप पहले मार्जिन देखो, कॉस्ट प्लस 1/3, यानी कि 1/3 ऑन कॉस्ट है, तो सेल पे क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, है ना। 1/3 ऑन कॉस्ट, सेल पे कितना होता है 1/4 होता है। तो 20,000 और माइनस कर देंगे आप यहाँ पे क्या 20,000 का 1/4, तो ये आ गया आपका 5, यानी कि 15,000 से आप इस एंट्री को कंप्लीट कर लेंगे 15,000 रुपये। इस तरीके से आपने क्या किया, ये एंट्री आपका कंप्लीट किया, तो ऐसे ही तो होगा। और बाकी बातें तो हमने क्वेश्चन बहुत एग्जाम प्रैक्टिस रूप में किया हुआ क्लास में, तो आप जानते हैं, बस आपको रिवाइज करा दो कि क्या क्या चीज़ें आपकी होती थी। इसके बाद मेरे बच्चे ये तो आपका फर्स्ट हो गया, ये खत्म हो गया आपका यहाँ पे। नाउ कम टू आपका सेकेंड, व्हेन बिजनेस सेंड्स गुड्स फ्रिक्वेंटली ऑन सेल्स रिटर्न बेसिस। आपको पता है कि यहाँ पे सेल्स और रिटर्न डे बुक बनता है, और उस सेल्स और रिटर्न डे बुक के अंदर में सेल्स और रिटर्न जर्नल या डे बुक जो भी कहें, मीनिंग सेम है आपका। और इसमें हम क्या करते हैं, 4 कॉलम, गुड सेंट ऑन अप्रूवल, जिसमें कि डेट पर्टिकुलर्स, आपका फोलियो मतलब किस लेजर से आपका आया हुआ है, एंड अमाउंट, डेट पर्टिकुलर फोलियो अमाउंट, और ये आपका 4, और फिर बैलेंस आपका कितना है ना। ये 4 कॉलम होते ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। नाउ जब हम न्यूमरसली गुड सेल करते हैं अप्रूवल बेसिस पे, तो हमारे पास 2 बुक बनता है, एक सेल्स रिटर्न डे बुक और सेल्स रिटर्न आपका लेजर अकाउंट, है ना बच्चे। तो सेल्स रिटर्न डे बुक तो ऐसे ही बनता है, लेजर अकाउंट भी हम देख लेंगे कैसे बनेगा। हमने 2 क्वेश्चन आपके, अच्छा ये दोनों मिला के हम इसको क्या बोलते हैं, मेमोरेंडम बुक्स आपका। लेजर जो बनता है उसको हम लेजर कंटेंट्स द अकाउंट्स ऑफ द कस्टमर एंड सेल्स और रिटर्न टोटल अकाउंट आपका। अब इसके बारे में बात करूंगा, पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 पे आप आइए। देखिए आप यहाँ पे मैंने टाइम सेव करने के लिए, क्योंकि रिवीजन क्लासेस सब कुछ मैंने आपके पास रखा हुआ है। अब फर्म सेंड्स गुड्स ऑन सेल्स रिटर्न बेसिस, कस्टमर हैविंग द चॉइस ऑफ रिटर्निंग द गुड्स विद इन अ मंथ ड्यूरिंग मे 2021 फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ गुड्स सेंट। कहता है कि मे में, 2 में 8 में 12, डेट है 18, 20 एंड 27 को, PBQDER को आपने इतने इतने रुपए गुड्स आपने भेजे हैं ऑन रिटर्न बेसिस। कहता कि विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम पी एंड क्यू रिटर्न द गुड्स। पी और क्यू जो है ना, उन्होंने गुड्स आपको वापस कर दिया। पी एंड क्यू ने क्या किया, गुड्स आपको वापस कर दिया। पी एंड क्यू ने, यानी कि पी ने और क्यू ने क्या किया, गुड्स आपको रिटर्न कर दिया है, ठीक है। BDE, BD और E, दे हैव एक्सेप्टेड द गुड्स, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। शो इन द बुक्स ऑफ फर्म सेल्स और रिटर्न अकाउंट, पूछ रहा बच्चे, डे बुक नहीं अकाउंट पूछ रहा है। और कहता है कि एक कस्टमर पी जो है ना, उसका भी अकाउंट आप दिखा दो यहाँ पे अलग से, है ना पी का। तो आइए जरा सेल्स रिटर्न अकाउंट में आ जाते हैं। जितने लोगों के गुड्स आपने दिए हैं अप्रूवल बेसिस पे, वो सब आपने क्या क्या लिखा, बाय संड्रीज गुड सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, या सिंपली आप बाय गुड सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस भी लिख सकते हैं। याद रखना ये मेमोरेंडम बुक्स है, इसमें कोई कुछ भी लिखे कोई दिक्कत नहीं होता। तो बाय संड्रीज करके गुड सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस भी लिख सकते हैं, या सिंपली बाय गुड सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। कितना टोटल 93,000। इस 93,000 में मेरे बच्चे इन दोनों ने,
पी का और क्यू का यानी कि कितना हो गया 43, ये उन्होंने रिटर्न कर दिया। तो आपने क्या किया यहाँ पे, टू सन्ड्रिज या टू रिटर्न, कुछ भी लिख सकते हैं, टू सन्ड्रिज या टू रिटर्न 43,000 का। जिन्होंने गुड्स एक्सेप्ट कर लिया उसको क्या बोल दिया, 31 मई को आपका टू सन्ड्रिज या टू सेल्स आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी, टू सन्ड्रिज या टू सेल्स कुछ भी लिख सकते हैं। कितना 24,000, क्योंकि 23 + 1 = 24, और जो बच गया वो अभी क्या है, टू बैलेंस सीडी आपके पास है, जो बच गया वो टू बैलेंस सीडी है, है ना, ये आपका यहाँ पे एंट्री निकल के आया, समझो मेरी बात यहाँ पे। तो आपके पास क्या है कि ये आपका सेल्स रिटर्न अकाउंट बनता है, अगर एग्जाम में पूछे तो इस तरीके से बना लेंगे। कहा कि उसके साथ साथ पी का भी अलग से अकाउंट बता दो, मतलब कस्टमर का अकाउंट। तो मेरे बच्चे कस्टमर का जो अकाउंट है ना वो इस तरीके से बनाइए, वैसे ही पी अकाउंट देख लो आपका। जब हमने इनको अप्रूवल पर दिया टू सेल्स रिटर्न अकाउंट 15,000, और जब अप्रूवल मिल गया तो 22 सेल्स रिटर्न अकाउंट 15,000, ये आपका यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हो गया अगर अकाउंट बोलते बनाने के लिए तो आपका। उसी तरीके से मेरे बच्चे फिर इसके बाद क्या है हमारे पास, एक क्वेश्चन और मैंने रखा हुआ है ऐसा ही क्वेश्चन आपका, एक सप्लाइड गुड्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस टू कस्टमर द पर्टिकुलर्स आर गिवन बिलो, इन इन देश पे इनको ABC, DEF, GHI, DEF, ABC, GHI, तो DEF से दो बार ट्रांजेक्शन हुआ है, ABC से भी दो बार और GHI से भी दो बार, इतने इतने अमाउंट का, ये सबको हमने दिया गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। इनका हमें साल के अंत तक कोई इंटीमेशन नहीं मिला, इन्होंने वापस कर दिया, इन्होंने 2000 गुड्स वापस किए, मतलब 2000 वापस किया बाकी अपना रख लिया, अप्रूवल यानी कि दे दिया, और गुड्स रिटेन्ड आपका अभी तक यहाँ पे है 24/12 आपका, फिर गुड्स रिटेन्ड इनका भी पड़ा है जी 28 का, और नो इन्फॉर्मेशन टिल आपका ये, मतलब इन्होंने रख लिया और अभी इनका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन हमें किसका दिख रहा है, इनका नहीं दिख रहा, इनका नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। आपको कहता है गुड्स आर टू बी रिटर्न विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पैच, 15 दिन के अंदर में डिस्पैच वापस करना है अगर करना आपको है तो, फेलिंग विच इट विल बी ट्रीटेड एज सेल्स, बुक्स ऑफ एक्स आर क्लोज ऑन 31 December 2022, प्रिपेयर द फॉलोइंग अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ एक्स, क्या जी, गुड्स ऑन सेल्स और रिटर्न डे बुक और गुड्स ऑन सेल्स रिटर्न टोटल अकाउंट, मतलब ये आपका वही थर्ड वाला आ गया कि हमें क्या करना है जी, सेल्स रिटर्न बुक बनाना है और दूसरा अकाउंट बनाना है। ये देखिए बुक आपका इस तरीके से बनेगा, है ना, आपने क्या किया डेट, जिनको आपने गुड्स दिया, जिसको आपने गुड्स दिया बच्चे, है ना, इन सब का नाम, ये उनका अमाउंट है, ये उनका अमाउंट है, आपने जिसको इन गुड्स में से आपके पास तीन कॉलम है, सोल्ड रिटर्न और तीसरा क्या था, बैलेंस आपका, बैलेंस है ना, सोल्ड रिटर्न बैलेंस था ना वहाँ पे, तो या क्या कर रहा है, सेल्स रिटर्न और बैलेंस आपका, तो या तो उस तरीके से बना लीजिए या फिर क्या करेंगे हम लोग इसी में सब कुछ डाल दिए कि देखो जी इन अमाउंट में 25 December को इनका सोल्ड हो गया, मतलब इन्होंने कंफर्मेशन दे दिया, इनका जो है 15,000 का इन्होंने रिटर्न कर दिया, तो रिटर्न कॉलम में चला गया, है ना, ये हो गया आपका सेंट कॉलम, ये हो गया सोल्ड कॉलम, ये रिटर्न कॉलम, और बैलेंस को या तो बैलेंस कॉलम यहाँ बना लो या फिर हम उसको यहाँ पर भी दिखा सकते हैं, अभी दिखाता हूँ कैसे। तो एक बैलेंस बना ही देता हूँ मैं, क्या दिक्कत है, एक बैलेंस कॉलम आपका, ठीक है, जब हम पढ़ा था ना सेल्स रिटर्न डे बुक आपका, तो उसमें क्या हुआ कि आपने हर एक कस्टमर को आपने जितना जितना दिया, इनका सोल्ड हो गया तो सोल्ड कॉलम में चला गया, इनका रिटर्न हो गया तो रिटर्न कॉलम में चला गया, ये 12,000 में 2,000 याद कीजिए था ना, 2000 का उन्होंने रिटर्न किया था बाकी अपने पास रख लिया, ये 2000 का रिटर्न किया था तो आउट ऑफ 12 टू रिटर्न किया, मतलब मानेंगे कि 10 अपने पास रख लिया और उसके हिसाब से सोल्ड हो गया 10, टू हो गया आपका ये 16,000 सोल्ड हो गया चुका है आपका दिसंबर 24 में, ऊपर कह रहा आपका ये देखिए आप 16 का दिसंबर 24 में रिटर्न यानी कि रख लिया अपने पास, फिर 11 का भी आपका हो गया जी, और जो GHI का था 13,000 ये अभी आपके पास बैलेंस में यहाँ पे पड़ा हुआ है 13,000, है ना। तो अगर मान लो फ्रिक्वेंटली वाला केस आ जाएगा फ्रिक्वेंटली में, तो मेरे बच्चे उस केस में सिर्फ ये बनता है, और न्यूमरेसी वाले में क्या करेगा, ये भी बोलेगा बनाने के लिए और ये भी बोलेगा बनाने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो हमने बना लिया, ये बनाना तो हमने ऊपर में सीख ही लिया था, सेल्स रिटर्न जो अकाउंट आपका है इसको बनाना हमने सीखा था, ये वाला आपका चीज ये तो था, कहाँ चला गया ये सेल्स रिटर्न अकाउंट आपका, वही चीज यहाँ पे देख लीजिए आप, जितने गुड्स दिए, अब यहाँ पे मैंने सन्ड्रिज नहीं लिखा, मैंने कहा सन्ड्रिज भी लिख सकते हो आपकी मर्जी,
तो जितना दिया बाय गुड्स टोटल जो देखोगे ना ऐड करके इन सबको तो 77 आ जाएगा, इन सबको जब ऐड करेंगे तो 77 वो चला गया। जितने मेरे बच्चे इसमें से सोल्ड हो गए 47, ये देखिए टू सेल्स की एंट्री आ गया 47। जो रिटर्न हो गया 17, वो रिटर्न की एंट्री आ गया। जो बच गया आपका 13,000 वो आपका टू बैलेंस सीडी के अंदर यहाँ पे आ गया। ये आपका सेल्स रिटर्न डे आपका टोटल अकाउंट है। तो एग्जाम में अगर सिर्फ बुक बोलेगा तो सिर्फ ये बनेगा, है ना, या तो ऐसे बना लो या फिर आप क्या करो आपकी मर्जी, ऐसे भी बना सकते हो एक ही साथ या फिर आप इस फॉर्मेट में बना सकते हो। आप ये फॉर्मेट कहाँ चला गया, सबके लिए डेट पर्टिकुलर अमाउंट ये कितना रिटर्न हुआ, फिर वो बार बार क्यों इतना करेंगे, वो सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट आपका बोलता है कि ऐसे कर लो क्योंकि उन्होंने आपके स्टडी मेट में ऐसी सोल्यूशन दिया हुआ है। अगर कह दे कि कौन कौन सा कॉलम, तो चार कॉलम है सेल्स रिटर्न डे बुक में, गुड सेंट, रिटर्न, आपका सोल्ड और बैलेंस, और इस तरीके चार कॉलम हो गया ना, एक तो आपका सेंट का, एक दो तीन और चार, इस तरीके से आपका, और अकाउंट कहेगा तो आप इस तरीके से बना लेंगे। इसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चन रखा हुआ आपको एमसीक्यू के अंदर में भी, देखते हैं आपका दिमाग आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से। विन द लार्ज नंबर ऑफ आर्टिकल्स आर सेंट ऑन सेलर रिटर्न बेसिस इट इज नेसेसरी टू मेंटेन, बताइए कौन सा, क्या सेल्स जनरल, नहीं सर, गुड्स रिटर्न जनरल, नहीं सर, सेल्स और रिटर्न जनरल, ये सर अभी का सेल्स रिटर्न जनरल या फिर डेबू कुछ भी कह सकते हैं, ये आपका यहाँ पे सही है, तो सी में चला गया, है ना बच्चे। टू में आप जरा आइए, टू के अंदर में कहता है यहाँ पे ऑन 31 December 2019 गुड्स सोल्ड एट सेल प्राइस ऑफ 30,000 वेर लाइंग विद द कस्टमर, जिन गुड्स का कहता है कि सेल प्राइस 30,000 है वो कस्टमर के पास पड़े हुए हैं। मोहन टू होम दिज गुड्स वेर सोल्ड ऑन सेलर रिटर्न बेसिस एंड रिकॉर्डेड एज एक्चुअल सेल्स, मतलब कि वो कैजुअल वाला हो गया, सिंस नो कॉन्सेंट वॉज रिसीव फ्रॉम द मोहन द एडजस्टमेंट एंट्री वॉज मेड प्रिज्यूमिंग गुड्स वेर सेंट ऑन अप्रूवल एट ए प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट प्लस 20%। बोलता बताओ बैलेंस शीट में स्टॉक कितने पे दिखाएगा, कॉस्ट प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस पे, कॉस्ट प्लस 20 का मतलब हो गया बच्चे प्रॉफिट मार्जिन जो आपका है गुड्स को सेंड करते हुए 20/100 यानी कि 1/5 ऑन आपका कॉस्ट है, 1/5 ऑन कॉस्ट। तो प्रॉफिट जरा बताओ 1/5 ऑन कॉस्ट, सेल पे कितना हो जाएगा 1/6 ऑन सेल, है ना, ये तो मैथमेटिक्स पढ़ा ना, कई सारे चैप्टर में हमने सीखा हुआ है ना। ये क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है, जो दिया हुआ आप उसी पर रेशियो चाहते हैं। तो 1/6 ऑन सेल, जरा बताओ इसका 1/6 कितना हो जाएगा 5,000, तो 30-5 यानी कि 25,000 उसकी कॉस्ट है, 25 पे दिखाया जाएगा, यानी ऑप्शन डी आपका हो गया। कह रहे बताओ बैलेंस शीट में स्टॉक कितने पे दिखाएंगे, कॉस्ट पे 25 आपका। अ कंपनी सेंड्स इट्स कार टू डीलर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, ऑल सच ट्रांजेक्शन आर हाउएवर ट्रीटेड एज एक्चुअल सेल्स एंड आर पास थ्रू द सेल्स डे बुक जस्ट बिफोर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। टू कार विच हैड कॉस्ट 55,000 ईच had been sent on sale or return basis and have been debited to customer account at 75 each. Cost of goods lying with customer कितना हो जाएगा? ओहो, cost तो बता ही दिया 55 each, तो दो कितने के हो जाएंगे आपका 110 के, दो है ना, दो आपका, तो 110 में टिक मार कर देंगे। फिर फोर्थ कहता है ये सब चीज़ें हमने पढ़ा हुआ है, बस आपका रिविजन करा रहा हूँ। अंडर सेल्स रिटर्न ऑन अप्रूवल द ownership of goods is passed only when the seller return his when the retailers gives his approval if the goods are not returned within a specified, dono theek hai ji, yani ki c mein tick mark karenge aap, c option mein, hai na, jab dono mein se kuch bhi ho aur badmash to c mein hum kya karenge, yahan pe tick mark karenge both a b. under sales return on approval when transactions are few seller when sending the goods kya karta hai, treat karta ordinary sales but no entry, galat, ordinary sales and entry for normal sale is pass, b tick mark karenge. sales or return day book and sales return ledger are known as kya, memorandum books, abhi dekha aapka, to ye kaun si badi baat hai, kaun si badi baat hai, ye bhi chapter ka mere bacche humne bahut proper tarike se revision kiya, ye bhi chapter humne khatam kiya, jitne questions class mein karaye hain, jitne aapne notes banaye hain class ko padhte samay, aur ye jo kara raha hu inko sath sath leke chaliye, बिलीव कीजिए 100% आपका रिवीजन होगा, 100% एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे छूट कर जा पाए। चलिए इसको हम एंड करते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप, क्या हालचाल आपके। पहले तो आगे बढ़ने के पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो कंटेंट आप देख रहे हैं हमारे चैनल पे, इस कंटेंट को आप बाकी जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, उनके बीच में आप फैलाएं।
बहुत मेहनत होती है मेरी और मेरी टीम की एक एक कंटेंट को डिजाइन करने के लिए, आपके लिए, हमारे सीए बच्चों के लिए, आपका हर एक चैप्टर का वन शॉट रिवीजन, क्विक रिवीजन, मैराथन, आपके जितने भी कंटेंट है उसके ऊपर में काम करना, हमारी पेड क्लासेज के अंदर में एक एक कंटेंट के ऊपर में वर्क करना, बहुत मेहनत करते हैं हम लोग। और एक ही अल्टीमेट टारगेट होता है कि हमारे बच्चे यानी कि आप अपने अल्टीमेट गोल को अचीव करें, दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट डिग्री। मेरे बच्चों, पहले मैं और मेरी पूरी टीम दिल्ली के एक एरिया में हम लोग इसको सीए की क्लासेज प्रोवाइड किया करते थे, लेकिन फिर हमने डिसाइड किया कि क्यों ना अपनी क्वालिटी एजुकेशन को पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैलाया जाए एट वेरी रीजनेबल कॉस्ट। रिपीट कर रहा हूँ, वेरी रीजनेबल कॉस्ट। बिलीव कीजिए, हमने इस सक्सेस को बहुत हद तक पाया है मेरे बच्चे। पूरे ऑल ओवर इंडिया में हजारों बच्चे जो सीए कोर्स को ऑप्ट किए हुए हैं वो हमारे साथ स्टडी कर रहे हैं और बहुत हद तक अपने आप को आगे बढ़ाए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ रिव्यू पूरे ऑल ओवर इंडिया से हमारे पास सीए बच्चों के आए हैं हमारी क्लासेज को लेकर। मैं चाहता हूँ कि वो आपसे शेयर करूँ, आप प्लीज एक बार उसको देखें। हेलो एवरीवन, दिस इज परिमाईश्वरी एंड आई एम अ सीए फाउंडेशन स्टूडेंट। हेलो, माय नेम इज वंशिका एंड आई एम डूइंग सीए इंटरमीडिएट राइट नाउ। हेलो फ्रेंड्स, मायसेल्फ प्रशांत दीक्षित, आई टुक कोचिंग फ्रॉम सीओसी एजुकेशन। मैंने संतोष कुमार सर की क्लासेस ली थी सीए इंटर ग्रुप 1 का। आई टुक माय अकाउंट्स ट्यूशन फ्रॉम संतोष सर। सर तो अकाउंट्स के लेजेंड, सबको पता है, वो तुम यूट्यूब में देख सकते हो। थैंक्स टू राहुल बुटानी सर, इज माय मैथ्स टीचर एंड मैथ्स इज वेरी डिफिकल्ट बट नाउ आई डोंट थिंक लाइक दैट। इकोनॉमिक्स विनीत सर पढ़ाते हैं जो कि डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कांसेप्ट को काफी इजी वे में एक्सप्लेन करते हैं। आई टेक माय बिजनेस लॉ क्लासेस फ्रॉम सीए राघव गोयल सर, ही इज जस्ट अमेजिंग। ऑल द टीचर्स क्लियर आवर कांसेप्ट वेरी नाइसली एंड दे गाइड अस इन ईच एंड एवरी स्टेप। मंडे टू सैटरडे आपका डाउट सेशन होता है जिसमें आप व्हाट्सएप पर कॉलिंग के थ्रू आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और टीचर्स अवेलेबल होते हैं जो कि आपके डाउट्स को पर्सनली सॉल्व करते हैं। द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग अबाउट COC इज दैट COC प्रोवाइड्स अस वेरी इजी बुक्स टू स्टडी। थैंक्स टू COC माय कांसेप्ट्स आर प्रीटी क्लियर, माय डाउट्स गेट क्लियर राइट अवे एंड आई एम इवन एबल टू स्कोर अ गुड मार्क्स। थैंक यू। थैंक्स टू COC जिन्होंने मेरी जर्नी को काफी आसान बना दिया है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। एंड वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड सभी अपने दोस्तों के पास पहुंचाएं। ऑल द बेस्ट बच्चे, ऑल द बेस्ट। थैंक यू बच्चों, थैंक यू जी, थैंक यू।